कह रहे हो सकते कि अब हमारे यहाँ बैरियर्स रोड पे लगे हुए COVID-19 ठीक है, अब डबिंग मास्क लगा कोई कहीं आ जा नहीं सकता, आप गाड़ी घर से बाहर निकाल नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट्स वैसे बंद हैं। और हमारी एक करेक्टर हैं श्री आपा, हाइमा खान, हाइमा, उन्होंने आके स्प्रे कर दिया माइक के ऊपर कोविड के चक्कर में, वो माइक हमारा अब गया। हाँ, अब अर्तुरुल अर्तुरुल में जो आपने कहा ना तोतले, पूरा स्टूडियो 2 दिन तोतला हो गया। और फिर एडिट पे जो है, मतलब यहाँ बैठ के हम हंस रहे हैं लेकिन ये सोचें कि इन दोनों पर exactly. बाकी इनके टीम exactly. के मेंबर्स पे क्या गुजरी होगी। वो तो गुजरी, लोग चले गए रिकॉर्ड करा के, वो तो गुजरी पीटीवी पे। फिर मकसद एक इशू अगर उठता है ना, वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। क्योंकि इस लेवल के सेंसर डोमेन के अंदर वर्क करना और टाइम शॉर्ट के अंदर क्वालिटी डिलीवर करना चैलेंज भी है। ये मेरे तमाम करेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर ये पाकिस्तानी टेलीविजन का अपना, पाकिस्तान का अपना इमेज था कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत जाती इंटरनेशनली, जहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में डबिंग के बाद इसको 4 चांद लग गए और पहले से कहीं गुना ज्यादा देखा गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती। और सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पता है कब मिलती है, जब बॉसेस जो है ना आपसे काम भी लें और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हों, आपका ख्याल भी कर रहे हों। खावर सर इतने शार्प आदमी कि सेकंडों के अंदर ना मेरे सारे मामलात ना टक कर देते। अच्छा खुर्रम, हम कामरान, मुझे सच सच एक जवाब देना है। पहले तो आप दोनों बोले कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, दोनों को साथ बोलना है, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब तक 6 महीने से हम सच ही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बोले, इसके बाद मैं जो सवाल करने वाली हूँ आपसे, प्लीज बोले। हाँ, जो कुछ कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कब आपको लगा कि अब हम छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, कुछ भी नहीं, अब हम इन्हें चेहरा नहीं दिखा सकते, और ये तो एक मैस है जिसमें हम फंस गए हैं, रोजाना एक ईवी देना है, कैसे? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि जिससे पहले कि आपने कहा कि सच के सिवा कुछ नहीं कहना, तो ये फीलिंग हमें कभी भी नहीं आई, नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। इन सारे कैरेक्टर्स को संभालना, अब अगर मरियम जी की रिकॉर्डिंग या डबिंग एक वक्त में है, फिर इसकी जो है सारा किया और दूसरे आपके कैरेक्टर्स जो हैं, तो वो 6-7 मतलब कितना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, एक ही वक्त में कितनी सारी डबिंग हो रही होती हैं। जब हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, हमारे पास आया था, उस वक्त मैं अकेला रिकॉर्डिस्ट था और केजे मेरे साथ थे, हमने 12 EP मैंने अकेले ने निकाले विद केजे। केजे ब्रीफ कर देते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये है, ये है, ये करेक्टर है, उसको 12 IP हमने। फिर उसके बाद हमें जब ये डेली जाना है रमज़ान में, और रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया था और कोविड भी शुरू हो गया था, जी जी जी, उस दौरान फिर हमने एक और रिकॉर्डिस्ट हायर किया शहजाद इस्लाम, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया 13 EP से, फिर हमने उसको डाइवर्ट किया। ये एक्चुअली प्यारे पाकिस्तान, मुझे मालूम था क्योंकि हमारी बात हो गई थी, मैं ये आपको बताना चाहती थी, ये इसको इस तरह से इतना स्टोरी को बड़ा कर दिया हमने कि देखें ये छोटा सिस्टम इन्होंने जो अपना कॉम्पैक्ट सिस्टम रखा हुआ है उसी ने ये इतना बड़ा मार का अंजाम दिया। और लोगों की इमेजिनेशन जनरली यही है, जी, जी, वो यही जी, सोचते हैं कि शायद कि जैसा आपने उसकी तस्वीर खींची थी ना, स्टाफ होगा और ये होगा और इतने सारे कैरेक्टर्स, तो मुख्तलिफ वक्तों में पता नहीं कितने डबिंग रूम्स होंगे जहाँ ये सब हो रहा है, रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट होगा, जहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन हो ना वहाँ पे, फिर आपका जो कहना चाहिए सराउंडिंग्स या आपका हुदूद अरबा मायने नहीं रखता वहाँ पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कमिटमेंट। थैंक यू, वी लुक फॉरवर्ड के सेकंड सीजन जितना पहला कामयाब रहा है उससे कहीं और ज्यादा कामयाब आपकी मेहनतें उसमें भी रंग लाएं, और इसी तरह मरियम जी आप सब लोगों की टीम एंड यूनिटी ऐसी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। हाँ जी, अब मजीद कैरेक्टर्स हैं, अभी हैं, जाना कहीं नहीं है, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को दोबारा बढ़ाएंगे।